अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिटन कम्युनिकेशन, और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिटन कम्युनिकेशन होती क्या है, रिटन कम्युनिकेशन की हिस्ट्री क्या है, एंड रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कॉमन इक्विटीज इन रिटन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कंटिन्यूइंग विद द सीरीज ऑफ टैक्टिक्स इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज एक्सपर्ट मिट्रिक्स विल टेल अस अबाउट व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग व्हाइल रिटन कम्युनिकेशन एफर्ट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी सिंस इट कैन बी एडिटेड एंड बोथ compose and read it leisure or at the one pace a great deal of care need to be taken in order to ensure its effectiveness as it can serve as a point of reference which can turn to mind and again thus creating a more listening impact. तो जो सबसे अहम चीज़ है कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस ऑफ आप अपनी कम्युनिकेशन को बिफोर डिलीवरिंग एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, एड और लेस कर सकते हैं, और ये तमाम ऑप्शन कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस में इजाफा करते हैं, और यही वजह है कि रिटन कम्युनिकेशन से हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते हैं। फिर हमने बात की थी फोकस ऑन फॉर्मेट्स। द वेरियस फॉर्मल राइटिंग फॉर्म्स हैव अ प्री डिटरमाइंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट दैट एक्कंपनीज देम। दिस फॉर्मेट व्हिच इज लार्जली बेस्ड ऑन यूनिवर्सल राइटिंग कन्वेंशन सर्व टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बाय एलिमिनेटिंग मिसकम्युनिकेशन दैट मे रिजल्ट थ्रू ऑल द रैंडम राइटिंग स्टाइल्स। हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आइडियाज डेवलप होते हैं माइंड के अंदर, सिनेरियो डेवलप होता है माइंड के अंदर, और उसके बाद हम उसको ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में डाइवर्ट करते हैं। तो ये जो सिनेरियो होता है इसके जरिए हम अपनी कम्युनिकेशन को अपने ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, और इस तरह कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। Moreover, these formats are likely to change with time due to the evolving nature of communication or technology. और ये format जो है time to time change हो रहे हैं, improve हो रहे हैं, जैसे जैसे invention और innovation की वजह से communication के अंदर जिद्दत आती है। For example, the semi-block format that was earlier the most reliable upon the format of for letter writing has now given way to the full block format after the wide spread of use of computer. Communication के अंदर जो big change आया है वो ये आया है कि हम history में past में ज़्यादातर communication hard copy में करते थे, और आज communication जो है वो soft copy में हो रही है। हार्ड कॉपी में कम्युनिकेशन करने के दौरान हम ज़्यादातर जो यूज़ करते थे वो स्मॉल लेटर्स यूज़ करते थे, और जब से कम्युनिकेशन सॉफ्ट कॉपी में डाइवर्ट हुई है तो कम्युनिकेशन के अंदर हम ब्लॉक लेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये चेंजिंग आती है टाइम टू टाइम और अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट introduction body and conclusion while writing one should ensure that the content is well organized with the overview basic detail comprising the introduction all major points with their explanation and explanation constructing the body preferably divided into a separate paragraph each of every new point with the title subtitle if necessary. Second जो हमारे पास है वो जो हम structures use करते हैं communication के अंदर, उसके अंदर हमारे पास एक option होता है introduction का, दूसरा होता है body का, और third होता है conclusion का। यानी हम अपनी communication को start करते हैं, अपने message को start करते हैं introduction से,
फिर उसके बाद उसके अंदर एक टाइम बॉडी आती है, और फिर हम अपनी कम्युनिकेशन को लास्ट स्टेज जिस पे वाइंड अप करते हैं उसे हम कंक्लूजन कहते हैं। तो हमें ड्यूरिंग द राइटिंग वाइल राइटिंग जो हमें सबसे ज़्यादा इंश्योर करने की ज़रूरत होती है वो अपने कंटेंट को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितना कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज होगा उतना कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, और जितना कंटेंट अनऑर्गेनाइज होगा उतनी ज़्यादा वो पुअर कम्युनिकेशन में चली जाएगी। बेसिक डिटेल्स जो हमें कम्युनिकेशन में डिलीवर करनी है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, जो हम पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो पॉइंट जो हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो हमें जो है अपने इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना होते हैं। इंट्रोडक्शन वो लेवल होता है जिसके अंदर हम अपने कम्युनिकेशन के जो मेन थीम या मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज मेथड और प्रोसीजर के जरिए। उसकी डिटेल को हम लेकर आते हैं टेक्स्ट बॉडी के अंदर, और कंक्लूजन में हम वो फाइनली ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन करने का मकसद क्या था, ताकि रिसीवर कम्युनिकेशन को ना सिर्फ रिसीव करे बल्कि वो उस ऑब्जेक्टिव को भी रियलाइज करे कि वो ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सेंडर अपने कस्टमर को सेल्स लेटर लिख रहा है, तो वो पहले तो अपने प्रोडक्ट वो सर्विस जो वो सेल करता है उसका इंट्रोडक्शन कराएगा, टेक्स्ट बॉडी के अंदर उसकी डिटेल लेकर आएगा, और कंक्लूजन के टाइम वो अपने कस्टमर को फोर्स करने की कोशिश करेगा कि ये लेटर लिखने की वजह क्या थी ताकि आप हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज कर सकें। तो ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि खास तौर पर बिजनेस कम्युनिकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन में फ़र्क ये है कि जनरल कम्युनिकेशन समटाइम ऑब्जेक्टिव लेस भी हो सकती है, जबकि बिजनेस कम्युनिकेशन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फुल होती है, कभी भी बगैर ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं की जाती। यही वजह है कि कंस्ट्रक्टिंग द बॉडी प्रेफरली डिवाइडेड इनटू द सेपरेट पैराग्राफ, हमें सेपरेट पैराग्राफ में डिवाइड करना होता है, एंड एवरी न्यू पॉइंट विद द टाइटल्स एंड सब टाइटल्स इफ नेसेसरी। और इसके अंदर हर बॉडी के अंदर टाइटल और सब टाइटल का यूज करना बहुत जरूरी होता है। इमेज मेक श्योर यू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग वेल। आपको यकीनी बनाना होता है अपने स्ट्रक्चर को कि जो आप लिख रहे हैं वो किस हद तक इम्प्रूव और किस हद तक बेहतर है। थर्ड हमारा स्टेज आता है इंश्योरिंग कनेक्टिविटी। द कंटेंट दैट कंप्राइज अ पीस ऑफ राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट फ्लुएंसी एंड शुड बी कनेक्टेड थ्रू आउट अ लॉजिकल फ्लो ऑफ थॉट्स। आपका जो कंटेंट है जो कंप्राइज करते हैं वो जो राइटिंग पीस है इसके अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए किस चीज का, आपकी फ्लुएंसी का, और इसके अंदर जो लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए आपके लॉजिकल फुल ऑफ थॉट्स का, कि जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं उसकी लॉजिक क्या है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस इंटरप्रिटेशन एंड ईज द अटेंशन ऑफ द रीडर, ताकि आप मिस इंटरप्रिटेशन जैसे नेगेटिव एस्पेक्ट से बच सकें और आप अटेंशन हासिल कर सकें हर स्टेज पे अपने रिसीवर यानी रीडर की जो आपकी कम्युनिकेशन को रीड करने वाला है। Moreover, care should be taken to ensure that the flow is not brought about throughout a forced, deliberate use of connectives, as this makes the piece extremely uninteresting and artificial. मज़ीद जो एक आपको ध्यान रखना होता है, आपको बी केयरफुल रहना होता है, वो ये कि आपको यकीन बनाएं कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन डिलीवर कर रहे हैं उसके अंदर जो है रेलिवेंसी होनी चाहिए, और आप जो भी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन आपने डिटरमाइन किया है उसके अंदर एक्सट्रीमली अनइंटरेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल एस्पेक्ट से बचना, ताकि कम्युनिकेशन के अंदर रीडर का इंटरेस्ट डेवलप रह सके। इमेज
lack of connectivity can often lead to communication gaps, misinterpretation and doubts. जितना आपके रीडर का इंटरेस्ट कम डेवलप होगा उतना ही उसकी कनेक्टिविटी पुअर होगी, और जितनी कनेक्टिविटी पुअर होगी उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, मिस इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी और डाउट्स क्रिएट होंगे। तो एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्टिव जो कि हम इंट्रोडक्शन फेज में करते हैं कि हाउ टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ रिसीवर, हाउ कैन वी कनेक्ट विद अवर रिसीवर जो कि हमारे मैसेज को रिसीव करने जा रहा है। स्टेज फोर, टेम्परिंग द कंटेंट एज पर द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। हमें टेम्परिंग करनी होती है अपने कंटेंट को फॉर्मेलिटी की हद तक। द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर शुड डिफाइन द यूज ऑफ सैल्यूटेशंस, द वोकैबुलरी, द कंटेंट, द फॉर्मेट एंड इवन द मीडियम। हमें अपने कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मेलिटी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, खास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में अक्सर हम फॉर्मेलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में रिसीवर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है टूवर्ड्स फॉर्मेलिटी। इन फॉर्मेलिटी के दरमियान जो सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप होता है उसमें रिसीवर फोकस ज़्यादा करता है। सबसे पहले जो अहम पॉइंट होता है वो होता है सैल्यूटेशन, कि हाँ आप किस तरीके से अपने रिसीवर को देखते हैं, आपकी नज़र में रिसीवर की रिस्पेक्ट क्या है, आपकी नज़र में रिसीवर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी नज़र में रिसीवर की कंडीशन क्या है। इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, एलिस्ट्रेट करने के लिए जो सबसे आइडियल ऑप्शन होता है मैक्सिमम यूज़ ऑफ सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस की एग्जांपल ये होती है जैसे कि बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ उसमें रिस्पेक्टेड सर, डियर, और जनरल रिलेशनशिप के अंदर हम मुख्तलिफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं। द वोकैबुलरी, फिर एक आइडियल वोकैबुलरी यूज़ होने चाहिए, वो वोकैबुलरी जो रिसीवर से ज़्यादातर फैमिलियर हो ताकि उसे रिसीविंग द मैसेज में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। फॉर्मेट आपका आइडियल होना चाहिए, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मीडियम रिसीवर के लिए आइडियल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। थॉट नॉट इंटीग्रल टू द मैटर कम्युनिकेटेड, दिस कर्टेसी हेल्प इन क्रिएटिंग अ बैलेंस इम्प्रेशन अबाउट द कम्युनिकेटर्स। आप जो है बीइंग ए सेंडर, जब आप कम्युनिकेशन डिलीवर करने जा रहे हैं तो आपने जो अपना कम्युनिकेशन का स्टाइल या कम्युनिकेशन मटेरियल या कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर रखे, इसके अंदर कर्टेसी बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा कर्टेसी का लेवल आपकी कम्युनिकेशन में होगा उतनी ही ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है और सेंडर और रिसीवर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होता चला जाता है। इमेज टून योर कम्युनिकेशन बियरिंग इन माइंड हाउ फॉर्मल और कैजुअल योर रिलेशनशिप इज विद रिसीवर। आपको देखना होता है कि आपका बींग ए सेंडर अपने रिसीवर के साथ रिलेशनशिप फॉर्मल है कैजुअल है, इस चीज़ को फोकस करते हुए आपने अपने मैसेज को डिलीवर करना होता है। स्टेयरिंग क्लियर ऑफ शॉर्ट फॉर्म। पीपल मे नॉट बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ वेरियस शॉर्ट फॉर्म एंड मे थस फर्स्ट इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट देम। मोरओवर शॉर्ट फॉर्म कैन एट टाइम बी कल्चर स्पेसिफिक और इवन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक एंड मे थस अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट द कम्युनिकेशन। हम अपनी कम्युनिकेशन के कंसाइसनेस के लिए कोशिश करते हैं ज़्यादातर यूज़ करने की मुख्तलिफ़ टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म, जिससे हमारी कम्युनिकेशन के अंदर कंसाइसनेस की क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। लेकिन हमें ये फोकस करना चाहिए कि कहीं ये कंसाइसनेस हमारे रिसीवर के लिए एक हर्डल ना बन जाए
और वो शॉर्ट फॉर्म जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अगर हम उसको यूज करेंगे तो इससे हमारी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस वीक हो सकती है। इसका एक आइडियल मेथड ये होता है कि जिस भी टर्म की आप टर्म्स की शॉर्ट फॉर्म यूज करने जा रहे हैं, पहले उसकी प्रॉपर फॉर्म लिखें और उसके बाद उसकी शॉर्ट फॉर्म अगेन अगेन रिपीटेशन में शॉर्ट फॉर्म को यूज करें, ताकि पहले रीडर और रिसीवर उस शॉर्ट फॉर्म से अवेयरनेस हासिल कर ले, ताकि उसको बाद में अंडरस्टैंडिंग में कोई मुश्किल ना हो। लाइफ इन 140 कैरेक्टर्स इज ओके फॉर ट्विटर, नॉट अदरवाइज। तो ये हमारे पास ये मेन मौजूद है कि जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, लाइफ इन द 140 कैरेक्टर इज ओके फॉर ट्विटर नॉट अदरवाइज। उसके अंदर जो हमने यूज किए 140 कैरेक्टर्स, ये हमने शॉर्ट फॉर्म किए, इसकी डिटेल जो है मजीद रिक्वायर्ड है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। एक अच्छा कम्युनिकेटर और अच्छा राइटर वो होता है, खास तौर पर रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो ग्रामर का, स्पेलिंग का एंड पंक्चुएशन का। अगर इन तीनों कंडीशन में कहीं भी लिटिल बिट मिस्टेक या एरर आ जाए, तो उससे कम्युनिकेशन के अंदर मिस कम्युनिकेशन, मिस अंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनप्रॉपर ग्रामर कैन एट वर्स causes miscommunication and at least result in unwanted humor and should be thus avoided. ग्रामर अगर मिस्टेक होती है तो उससे कम्युनिकेशन की मिसकम्युनिकेट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हमारी कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। So too spelling can create the same effect or can even reflect the careless attitude on part of the sender. और अगर during the communication spelling mistake हो, तो same condition होती है कि पहला एक disadvantage ये होता है कि communication की miscommunicate होने की possibilities बढ़ जाती है। Second, अगर receiver spelling mistake के बावजूद communication को understand भी कर लेता है, तो इससे आपका negative image आता है, जिससे आपकी goodwill डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। फाइनली, इफेक्टिव यूज ऑफ पंक्चुएशन फैसिलिटेट रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कैन इन रेयर केसेस इवन प्रिवेंट अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग विच कैन रिजल्ट इन द मिसकम्युनिकेशन। और पंक्चुएशन के जरिए तो हमारी कम्युनिकेशन के मीनिंग ही बिल्कुल अपोजिट और डिफरेंट हो जाते हैं, जिससे लाजमी तौर पे रिसीवर के कंफ्यूज होने की पॉसिबिलिटीज, मिसकम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज और कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वो तीन डायरेक्शन हैं जिसके जरिए हमें अपने रिटन कम्युनिकेशन में खास तौर पे ख्याल रखना होता है, ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। बैड ग्रामर एंड स्पेलिंग कैन लैंड यू इन ट्रबल इवन टूडे। और अगर आप वीक हैं ग्रामर में और स्पेलिंग के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल का रीजन बन सकती है। स्टेज 7 के अंदर सेंसिटिविटी टू द ऑडियंस। एक अच्छा राइटर और एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स ऑडियंस। कम्युनिकेशन की सक्सेस के अंदर सबसे अहम जो फाउंडेशन होती है, वो राइटर या कम्युनिकेटर को फोकस करना होता है कि आप किसके साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। अगर आप उसको फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी आप कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं होते। मुख्तलिफ राइटर मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ऑडियंस को टारगेट या फोकस कर रहे होते हैं, और उस फोकस के जरिए वो अपने कम्युनिकेशन के अंदर चेंजिंग लाते हैं। वन नीड टू बी अवेयर ऑफ एंड सेंसिटिव टू द इमोशंस, नीड्स एंड नेचर ऑफ द ऑडियंस इन चूजिंग द वोकैबुलरी, कंटेंट, इलस्ट्रेशन, फॉर्मेट्स, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एज अ डिसकम्फर्ट इन द ऑडियंस वुड हैम्पर रादर देन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन।
हम मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ऑडियंस को फोकस करते हैं, मुख्तलिफ ऑडियंस को अपनी कम्युनिकेशन डिलीवर करते हैं, और अगर हम इस सिलसिले में सेंसिटिव ना हो और हम अगर उनको फोकस ना करें, डिफ्रेंशिएट ना करें, तो हमारी वोकेबलरी, हमारी एलुस्ट्रेशन, हमारी कम्युनिकेशन के मीडियम हमारी ऑडियंस के लिए डिसकंफर्ट हो सकते हैं, और ये डिसकंफर्ट ऑफ ऑडियंस हमारी कम्युनिकेशन को फ्लॉप करने का रीजन बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर हम एडल्ट एंड मेच्योर ऑडियंस से कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का स्टाइल कुछ और होगा। अगर हम यंग ऑडियंस से खिताब करने जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का स्टाइल कुछ और होगा। और अगर हम चिल्ड्रन को फोकस करने जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का मेथड कुछ और होगा। डोंट टेक योर ऑडियंस फॉर गारंटेड, मेक श्योर दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग। और आपको ऑडियंस के मुताबिक कभी गारंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अक्सर जो है मिक्स ग्रुप की सूरत में भी हो सकती है। तो आपको ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि हर कंडीशन में आपकी कम्युनिकेशन कामयाब होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएटिविटी की इम्पॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इन ऑर्डर टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन वन नीड टू बी क्रिएटिव टू ब्रेक द टेंडम ऑफ राइटिंग एंड प्रिवेंट मोनोटोनी फ्रॉम क्रैपिंग इन। कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा राइटर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन के अंदर क्रिएटिविटी को कंटिन्यूसली फॉलो करता है, और इस क्रिएटिविटी की वजह से जो है वो अपनी राइटिंग के अंदर अट्रैक्शन में इजाफा करने में कामयाब हो जाता है। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द केस ऑफ ऑल डिटेल राइटिंग दैट सीक्स टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन। और ये खासतौर पे ज्यादा अहम हो जाती है जब आप डिटेल के अंदर राइटिंग करते हैं और सिक्स करते हैं, होल्ड करते हैं रीडर्स अटेंशन को। जब आप अपने रीडर्स की कंटिन्यूसली बेसिस पर अटेंशन हासिल करना चाहते हैं और आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज लॉन्ग कम्युनिकेशन में रीडर के अटेंशन वीक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। मेक श्योर योर कम्युनिकेशन डजंट एंड अप इन अ पाइल ऑफ गैप्स, बी अ लिटिल क्रिएटिव। और आपको ये श्योरिटी रखनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगी और इसके अंदर जो है कंटिन्यूटी रहेगी। स्टेज 9, अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ जर्गन। आपको एक मोहतात रहने की जरूरत होती है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर जर्गन से। एक्सेसिव यूज ऑफ जर्गन कैन पुट ऑफ अ रीडर हु मे नॉट रीड फर्दर एज अनलाइक अ कैप्टिव ऑडियंस। द चॉइस ऑफ वेदर टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन रेस्ट कंसिडरेबली विद द रीडर्स। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जर्गन का यूज करेंगे तो उसके अंदर आपके रिसीवर का डिसकंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो कम्युनिकेशन के एंड तक नहीं जाता, और ये रीजन बनती है आपके कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने की। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जर्गन को बहुत ज्यादा नेसेसरली यूज करें और अननेसेसरी उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। एक्सेसिव यूज ऑफ जर्गन हैजंट टेकन एनीवन एनीवेयर। अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस मीडियम, अवेयरनेस होनी चाहिए। एक अच्छा स्पीकर और अच्छा राइटर वो होता है जो अवेयरनेस रखता है ऑडियंस के मीडियम की। द मीडियम नीड टू बी चूजन एज पर इट्स सुटेबिलिटी टू द ऑडियंस कंटेंट, वाइल द कंटेंट वुड नीड टेम्परिंग एज अ पार्ट ऑफ मीडियम ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, वाइल एन एलिबरेट मैसेज कैन बी सेंड वाय लेटर और ईमेल एंड SMS, द सेम कंटेंट मे हैव टू बी हेवली एडिटेड।
जब हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो हमारे पास एक वैरायटी ऑफ मीडियम आती है जिसके जरिए हम अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं। इस वैरायटी ऑफ मीडियम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ईमेल के जरिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, हम एसएमएस के जरिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, हम लेटर्स के जरिए मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। और ये जो मीडियम्स होते हैं ये वेरी करते हैं डिफरेंट मैसेज टू मैसेज, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज, कि हमारे मैसेज भेजने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइट सिलेक्शन ऑफ मीडियम इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इन कम्युनिकेशन। लाइक ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, गुड राइटिंग शुड बी सेड टू अकर व्हेन द गैप बिटवीन वॉट वन डिजायर टू से एंड वॉट वन इज नॉट कॉन्स्टेंट टू मीन्स इट इंटेलिजिबल ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट वन इज कॉन्स्टेंट टू मीन इज नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर एक गुड राइटर वो होता है जो कि अपनी कम्युनिकेशन के दौरान गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और उसकी जो डिजायर होती है वो होती है अपने कम्युनिकेशन यानी कंस्टेंट ऑफ मींस एंड नेगलिजिबल एंड ऑलमोस्ट नॉन एक्सपेंसिव, मेकिंग पॉइंट दैट आर गोइंग एवरीवन ऑडियंस हैड बी अवेयर ऑफ यू आर स्पीकिंग टू।